मैच अड्डा। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक मैथ्स अड्डा। इन द लास्ट टू वीडियोस ऑफ सेट्स वी हैव लर्न्ड अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स एंड वी हैव लर्न्ड हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। तो आज का जो वीडियो है, कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स को हम डिटेल में आज पढ़ने जा रहे हैं। सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म के न्यूमेरिकल्स आई होप आपने कर लिए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज डिफरेंट टाइप्स के मैंने सेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं या वॉइड सेट भी कहते हैं, और हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं हम रिक्त समुच्चय। और रिक्त से ही आपको पता चल रहा होगा रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली। तो इसका मतलब ऐसा कोई सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। बहुत इम्पॉर्टेंट ये सेट होता है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है सबसेट्स में और आगे के सेट्स में। तो एम्प्टी सेट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको जो पहली डेफिनेशन सेट की बताई थी, तो मैंने बोला था कि देर इज़ नो एम्बिग्यूटी ऑफ एक्सक्लूजन और इंक्लूजन ऑफ एनी एलिमेंट्स, यानी कि किसी भी एलिमेंट के होने या ना होने का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझें कि नल सेट का मतलब क्या है, कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि x सच दैट x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 6? नहीं, क्योंकि 6 5 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा नहीं है। 3? 3 4 से तो छोटा है लेकिन 5 से बड़ा नहीं है। तो इस केस में आप देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर या तो 5 से बड़ा होगा या फिर 4 से छोटा होगा, दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकता वो। तो ये कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। अब ये तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, एक तरीके से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। लेकिन इसको रिप्रेजेंट हम रोस्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, ये तरीका याद रखना है कि नल सेट को हम या तो phi से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सिर्फ curly ब्रैकेट से आप रिप्रेजेंट करेंगे। नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय phi, इधर phi और curly ब्रैकेट। किसी भी खाली जो सेट होगा, एम्प्टी सेट जो होगा, उसको या तो phi से रिप्रेजेंट करेंगे आप या curly ब्रैकेट से। कुछ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, phi और curly ब्रैकेट दोनों लिख देते हैं, तो ये नल सेट नहीं माना जाता है, नल सेट नहीं होगा। तो नल सेट में या तो phi होगा या फिर कर्ली ब्रैकेट होगा। हाँ, ये अगर आपको कहीं मिल रहा है, कहीं पे इस तरीके से कोई सिंबल मिल रहा है, तो इसका मतलब वो नल सेट नहीं है, कोई और सेट होगा। फिर वो हम देखेंगे आगे सबसेट्स में जब पढ़ेंगे। तो ये नल सेट नहीं है, नल सेट को आप तो phi से रिप्रेजेंट करेंगे या कर्ली ब्रैकेट से। तो किसी सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आ पा रहा है तो उस केस में या अ सेट हैविंग जीरो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट या एम्प्टी सेट। बात हो गई पहला टॉपिक नल सेट। अब हम बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट वर्ड से आपको समझ में आ रहा हो, हिंदी में इसको परिमित बोलते हैं, ये परिमित या अपरिमित। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स में क्या है कि अगर किसी भी सेट में 1 2 3 4 और b मैंने लिया 1 2 3 4, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है, मतलब उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो काउंट हो पा रहे हैं। तो अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है या फाइनाइट नहीं है, आप एक तरीके से सकते हैं, तो उस सेट को आप इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ये इनफाइनाइट सेट हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। ऐसे ही 1 2 3 4 अप टू 100, इस सेट को देखें ध्यान से, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट इसका काउंट हो जा रहा है, लास्ट एलिमेंट इसके काउंटेबल हैं, तो इस सेट को आप क्या बोलेंगे, फाइनाइट, क्योंकि ये काउंट हो जा रहा है। तो इफ अ सेट हैव
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स. तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बात हुई. सिंपल सा क्वेश्चन है. अब आते हैं इक्वल सेट्स में. इक्वल सेट्स ऐसे सेट्स होंगे जिसमें एलिमेंट्स दो तरीके के सेट्स होते हैं. एक तो इक्वल होता है और एक होता है इक्विवेलेंट सेट. दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. जैसे मैंने ए इक्वल टू लिख लिया 1 2 3 और बी इक्वल टू लिख लिया 3 1 2. दोनों सेट्स को ध्यान से देखें आप. कोई भी दो सेट्स इक्वल तभी होंगे जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए. ये वन है, यहाँ भी वन. किसी भी सेट में एलिमेंट को आगे या पीछे आप कहीं भी लिखें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसमें. तो वन यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 2 3. तो दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और जितने एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं वो भी सेम आ रहे हैं. तो इसका मतलब ए एंड बी आर इक्वल सेट्स. ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. अब अगर हम बात करें इसी में 1 2 3, यहाँ बी ले लिया मैंने ए बी सी. अब इसमें क्या होगा? ये सेट्स इक्वल तो नहीं है लेकिन ये सेट्स इक्विवेलेंट हैं क्योंकि इनका इनकी कार्डिनैलिटी बोलते हैं. किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको उस सेट की कार्डिनैलिटी बोला जाता है. इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं. तो ये दोनों सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे लेकिन ये दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं. तो एलिमेंट्स अगर अलग अलग हो जाएंगे तो फिर वो इक्वल सेट्स ना होकर के सिर्फ क्या रहेंगे? इक्विवेलेंट सेट्स. तो ये कुछ मेन मेन मैंने पॉइंट्स सेट्स के बारे में आपको बताया आज, डिफरेंट टाइप्स के सेट्स. कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं. एक एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज जो है उसका एक क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड क्वेश्चन के तीन पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे. तो ये क्वेश्चंस हमको क्या करना है, इन तीनों पार्ट्स में ये बताना है कि ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये फाइनाइट सेट्स हैं या इनफाइनाइट सेट. ये इंडिविजुअल पार्ट्स में हमको बताना है. फाइनाइट सेट्स में क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होने चाहिए. और इनफाइनाइट में क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होने चाहिए. तो स्क्रीन पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. तो पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. आपको पता है कि यह आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये आपके वाई एक्सिस होती है. एक्स एक्सिस के अगर हम पैरेलल लाइन बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगी. जितनी भी एक्स एक्सिस के लाइन ऊपर भी बनेंगे नीचे भी बनेंगे पैरेलल. क्या इन लाइंस को आप काउंट कर सकते हैं? क्योंकि ये लाइंस ऊपर तक बनते जाएंगे, इनफाइनेटली बनते जाएंगे, नीचे को भी बनते जाएंगे. तो क्योंकि ये लाइंस काउंट नहीं हो सकती है तो ये सेट जो होगा ये किस तरीके का सेट होगा? ये होगा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल. ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित. द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं और सेट के अंदर लिख भी सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच से लेकर के जेड तक. तो इनको क्योंकि आप काउंट कर सकते हो और सेट के अंदर फाइनाइटली रिप्रेजेंट कर सकते हो तो ये कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट. आते हैं थर्ड में. इसको आप सोचिए, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. 5 के जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होंगे? 5 10 15, इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे. क्या ये फाइनाइट होंगे? नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे. तो ये कैसा सेट बन जाएगा आपका? फिर से इनफाइनाइट सेट. तो दो इनफाइनाइट सेट्स और एक फाइनाइट सेट. तो इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करें, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. मैंने आपको हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया. तो इस पे बेस्ड आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप कमेंट कर सकते हैं.